अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, अल्लाह का एहसान है, बड़ा करम है, उसका शुक्र है कि सबकी जान बची है। गाड़ी की जो पोजीशन थी, हम लोग जब अंदर थे तो बाहर से कई लोगों की यही आवाज़ आ रही थी कि अंदर एक भी नहीं बचा हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सबके सब सलामत है। ये आप तमाम की दुआओं का असर है, रब्बुल आलमीन का एहसान है, उसका बड़ा करम है। इसलिए मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि आप ख़ास तौर से दुआएं करें कि जो अब जो थोड़ी बहुत मार लगी हुई है वो सेहतयाब हो जाए, अच्छे हो जाए, और फिर वापस ऐसे ही हम जैसे काम कर रहे हैं, अल्लाह वैसे ही काम पर हमको फिर दोबारा लगा दे। और शायद ये बहुत बड़े नेक काम करके हम लोग आ रहे थे, लौट रहे थे, उसी का शायद असर है। और जैसे अभी आयाज हुसैन ने कहा कि न जाने किसकी दुआओं का असर है यार, मैं डूबता हूँ तो समंदर उछाल देता है। सचमुच अल्लाह ने बचाए और सबके सब सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। और मुफ्ती साहब, इसमें देखा गया है कि पीपल कोठा वो जो गांव है वहाँ पे छोटा सा, वहाँ के हिंदू बांधवों ने बड़े तेजी से दौड़कर आकर जात धर्म के परे जाकर मदद की है। आप खुद भी राष्ट्रीय एकात्मता के, गंगा जमनी तहजीब के आप भी एक बहुत बड़े प्रतीक है, तो ये जो हिंदू मुस्लिम एकता का आपने हमेशा काम किया है, उसका भी कहीं ना कहीं एक परिणाम, एक अच्छी मदद मिली समय पर। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बताऊं, ये मेरे देश की खूबसूरती है, इसलिए कहा जाता है कि सारे जहां से अच्छा। तो मैंने देखा खुद अपनी आंखों से कि जब मेरी बेटी अंदर फंसी हुई थी तो तकरीबन 20 से 25 हिंदू जवानों ने बहुत मेहनत करके उस गाड़ी को उठाया और मेरी बच्ची को निकाला। यानी उस वक्त यूं समझिए कि 99% हिंदू भाई मेरे वहाँ पर मौजूद थे और उन लोगों ने ज़बरदस्त काम किया। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ।